आप सबने बहुत से साइजेस, शेप्स और डिफरेंट कलर्स के डॉग्स देखे होंगे। ये इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कई सदियों से पूरी दुनिया में पाए जाने वाले डॉग्स की मुख्तलिफ नस्लों को इंसान ट्रेन करता आ रहा है ताकि हम उनसे काम ले सके, जैसा कि हंटिंग और चौकीदारी। इनमें से कुछ नस्लें अपने साइज की वजह से बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया में पाए जाने वाले कुछ सबसे बड़े डॉग्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, इस मैसिव डॉग का नाम ही बुली कुत्ता है और इसको पाकिस्तानी मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये डॉग अलॉन्ट की नस्ल में से है, एक कदीम नस्ल जो बड़े साइज के शिकारी कुत्तों पर मुश्तमिल थी। और ये डॉग्स अपने मास्टर्स का दिफा करने के लिए जंग में भी लड़ा करते थे। कुछ रेयर बुली कुत्तों का साइज 200 पाउंड तक भी होता है और खड़े हुए इनकी लंबाई 44 इंच तक हो सकती है। और अगर इनको ठीक से एक्सरसाइज करवाई जाए तो ये अपने जिस्म पर स्ट्रॉन्ग पैक ऑफ मसल्स भी डेवलप कर सकते हैं। अब ये जंग में तो नहीं लड़ते, मगर फिर भी ये इतने फ्रेंडली नहीं है। इनका एग्रेसिव होना इनकी क्वालिटीज में काउंट किया जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी गार्ड डॉग की जरूरत है तो बुली कुत्ता परफेक्ट चॉइस है। न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड एक बड़े साइज का वर्किंग डॉग है जो कि बहुत अच्छे से स्विमिंग भी कर सकता है। इस खूबी की बेस पे इससे वाटर रेस्क्यू डॉग के तौर पे भी काम लिया जाता है। दूसरे बड़े साइज के कुत्तों से हटके इस डॉग को गार्ड के तौर पे नहीं पाला जाता था, बल्कि इनका मेन काम माहीगिरों की मदद करना था, जैसा कि कश्तियों से जाल उतारना, कार्ट्स खींचना वगैरह, और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी में गिरी हुई चीज को वापस निकाल के लाना। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने बड़े और पावरफुल होते हैं। ये 27-30 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन ऑलमोस्ट 150 पाउंड तक होता है, जो कि एवरेज ह्यूमन के बराबर है। लेकिन ये देखने में कुछ ज्यादा ही बड़े लगते हैं। इसकी वजह इनकी डबल फर है जो कि इनको बर्फ में भी गर्म रखती है। अगर आपको न्यूफाउंडलैंड ना मिले तो सेंट बर्नार्ड भी एक बड़े साइज के फ्लफी और आसानी से दोस्त बन जाने वाले कुत्तों में से एक है। इनको स्विट्जरलैंड और नॉर्दर्न इटली में एज अ रेस्क्यू डॉग ब्रेड किया गया था। ये डॉग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है और इसके मुंह से मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रूल टपकता रहता है। इनकी हाइट 35 इंचेस तक होती है और इनका एवरेज वेट 200 पाउंड तक होता है, जो कि इनको दुनिया के सबसे भारी कुत्तों में से एक बना देता है। इस ब्रीड के कुछ कुत्तों ने इवन 250 पाउंड तक का वेट अचीव कर रखा है। पास्ट में ये रेस्क्यू डॉग के तौर पे ट्रेन किया जाता था और इसकी मदद से बहुत सी न्यू ब्रीड्स भी डेवलप की गई जिन्हें हम आजकल जानते हैं। लेकिन आजकल के सेंट बर्नार्ड ज्यादातर फैमिली डॉग्स हैं और ये अपने जेंटल और लविंग बिहेवियर की वजह से काफी मशहूर भी है। अनलाइक अदर डॉग्स, इनका बिहेवियर बिल्लियों के साथ भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। लियन बर्गर। ये कुत्ता न्यूफाउंडलैंड और सेंट बर्नार्ड का क्रॉस है। अपने पेरेंट्स की तरह इनका वजन भी 200 पाउंड तक होता है और इनकी हाइट 31 इंच तक होती है। इनको कंपेनियन डॉग के तौर पे पाला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये और भी बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कि वाटर रेस्क्यू, ट्रैकिंग और इंसानों की देखभाल। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों की जरूरत हो तो वहां लियन बर्गर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक जायंट फैमिली डॉग्स में से एक है। इंग्लिश मैस्टिफ। इंग्लिश मैस्टिफ की नस्ल दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक है। दुनिया के सबसे वजनी कुत्ते अकामा जोबरा का ताल्लुक भी इंग्लिश मैस्टिफ की नस्ल से था, जिसका वेट 343 पाउंड तक था, जो कि किसी भी इंसान के वजन से 2 गुना है। बड़े होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा बहादुर भी होते हैं। इसकी वजह से इनको पास्ट में बहुत सारे जानवरों से लड़ाया जाता था, जिसमें रीच, बैल और इवन शेर भी शामिल हैं। आजकल इनकी हिम्मत और बहादुरी को इग्नोर करके इनको फैमिली डॉग्स के तौर पे पाला जाता है। सो अगर आप एक किड्स फ्रेंडली जेंटल डॉग ढूंढ रहे हैं जो कि साथ साथ इतना बड़ा भी हो कि स्ट्रेंजर्स को डरा सके, तो इंग्लिश मैस्टिफ आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। नियापोलिटन मैस्टिफ। ये नस्ल बहुत से कलर्स में पाई जाती है, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, रेडिश ब्राउन और ऑरेंज ब्राउन।
अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैस्टिफ ब्रीड मैस और वजन के लिहाज से सबसे भारी होती है। ये ज्यादातर गार्ड डॉग के तौर पे पाले जाते हैं। नियापोलिटन मैस्टिफ के एवरेज मेल की लंबाई ऑलमोस्ट 30 इंचेस तक होती है और ये 150 पाउंड तक हैवी हो सकते हैं, जबकि इनकी फीमेल्स की हाइट कुछ इंचेस कम होती है और उनका वजन 110 से 130 पाउंड तक होता है। नियापोलिटन मैस्टिफ का तालुक साउदर्न इटली से है और ये अपने घर और फैमिली की बिना किसी डर के बहादुरी से हिफाजत करता है, जिसकी वजह से ये गार्ड डॉग के तौर पे आइडियल है। दूसरे डॉग से हटके ये इंट्रूडर्स पे भौंकने की बजाय चुपचाप उनको चेस करते हैं और फिर सडन अटैक करते हैं। अगर आप इस डॉग को रखना चाहते हैं तो आपको इसको सोशलाइज करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। स्कॉटिश डियरहाउंड। ये डॉग ज्यादा बल्कि नहीं बल्कि ऊंचा होता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है। इसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से है। इन डॉग्स को हिरन के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अपनी लंबी टांगों की वजह से ये अपने शिकार को बहुत आसानी से चेस कर लेते हैं। इनकी हाइट 32 इंचेस तक होती है और वजन 110 पाउंड तक हो सकता है। आजकल इनको हिरन के शिकार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लोग इनको शोज और स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉकेशियन शेफर्ड। ट्रेडिशनली इस डॉग को लाइफ स्टॉक जैसे कि भेड़ बकरियां और गायें वगैरह की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कॉकेशियन शेफर्ड बहुत ही खूबसूरत ईस्टर्न यूरोपियन ब्रीड है, जो कि अपने ऑनर के बहुत ज्यादा ओबीडियंट होने के साथ साथ सोशल भी होते हैं। लेकिन बड़े साइज के डॉग के साथ आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। 30 इंचेस लंबे और 220 पाउंड्स वजनी कॉकेशियन शेफर्ड के साथ आप पार्क में इजीली वॉक नहीं कर सकते, और इसकी वजह सिर्फ इनका भारी जिस्म नहीं बल्कि ये फैक्ट भी है कि अपने आसपास दूसरे किसी भी डॉग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरे डॉग को देखते साथ ही ये एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो ये डॉग आपका बेस्ट गार्ड साबित हो सकता है। ग्रेट डेन। ग्रेट डेन दुनिया के सबसे मशहूर डॉग्स में से एक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा भारी नहीं बल्कि लंबे होते हैं। इनकी एवरेज हाइट 30 इंचेस तक है, लेकिन इनमें से कुछ डॉग्स इससे भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। सबसे बड़े कुत्ते का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ग्रेट डेन के पास था, जिसका नाम जियोस था। उसकी हाइट 44 इंचेस थी। ये सच में इनक्रेडिबल है। अनफॉर्चुनेटली इन डॉग्स की उम्र ज्यादा नहीं होती। ये 6 से 8 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं, जो कि बाकी डॉग्स की निस्बत बहुत कम है, जिनकी एवरेज लाइफ 10 से 15 साल होती है। ज़ियोस ओल्ड एज की वजह से मरा और तब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। ग्रेट डेन को जर्मन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। आयरिश वुल्फहाउंड। अब हम जिस डॉग की बात कर रहे हैं, ये ग्रेट डेन से भी बड़े होते हैं। इनकी एवरेज हाइट 35 इंचेस तक होती है और कुछ आयरिश वुल्फहाउंड की हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो देखने में एक डोंकी के बराबर लगते हैं। इन बहादुर डॉग्स का ताल्लुक आयरलैंड से है और इनको वुल्फ हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अगर ज्यादा पास्ट की बात करें तो ये डॉग्स जंग में घोड़ों और रथों से लोगों को घसीट के उतारने में भी काम आते थे, लेकिन ये डॉग्स अब ये सब काम छोड़ चुके हैं और इन्होंने इंसानों के फैमिली एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। सो आज की लिस्ट में से किस डॉग को आप अपने पेट के तौर पे पालना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।